ऑल राइट, नाउ इट इज ऑडिबल बेटे। सो हमने दो मेथड्स किए अभी तक, मैंने यही बताया था। आवाज जिनको नहीं गई मैं बता देती हूँ, कल के जो हमने मेथड्स किए वही किया हमने, एक रैंडम सैंपलिंग और दूसरा पर्पसिव। रैंडम सैंपलिंग का ड्रॉबैक क्या है? द सैंपल सो ड्रॉन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। और पर्पसिव सैंपलिंग का ड्रॉबैक क्या है? देयर मे बी एंट्री ऑफ पर्सनल बायस। So to remove both these drawbacks, we have come up with the next method, which is a mixture of. So it is known as mixed sampling. What do? We firstly classify, divide the heterogeneous population into homogeneous groups. These are called as stratas. Groups को क्या कहते हैं? Stratas. Single group को stratum और groups को स्ट्रेटास। जैसे कि आपकी क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या किया, हमें क्विज के लिए बच्चे चाहिए। आपका क्विज है, दो सेक्शंस है कॉमर्स के, तो इंटर क्लास क्विज है। एक टीम दूसरे सेक्शन की आनी है, एक आपकी। तो क्योंकि कॉमर्स क्विज है तो इसमें से सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिकल एडुकेशन, ठीक है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सब पे बेस्ड, सारे सब्जेक्ट्स में से होंगे। इसका मतलब हमारी टीम में एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसके पास फिजिकल है, एक ऐसा बच्चा जिसके पास मैथ्स है, एक ऐसा जिसके पास कंप्यूटर है। 5 की हमें टीम चाहिए, लेकिन हमें उनमें से 3 बच्चे ऐसे जरूर चाहिए जिनके पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। अगर हम रैंडम सैंपलिंग से चूज करते हैं तो क्या होगा, 5 बच्चे, हो सकता है सबके पास मैथ्स आ जाए, हो सकता है उसमें से किसी के पास फिजिकल ही नहीं है, तो उस केस में मेरी टीम स्ट्रांग नहीं जाएगी। मैं कैसे मेरे बच्चे दूसरे क्लास के सेक्शन के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे जब मेरा सैंपल या मेरी टीम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सो क्या रैंडम से हम चूज करनी चाहिए हमें क्विज की टीम? नहीं। ओके, पर्पसिव से। पर्पसिव से अब वही बायस आ जाएगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे हमें पता ही था मैम ने इसको लेना है, ये मैम का फेवरेट है, ये हांजी हांजी करता है, ये तो आना ही था, हम तो इतना पढ़ के आए हैं, हम मैम ने कोई टेस्ट लिया नहीं, अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया, बायस आ गया, ठीक है। अब तीसरा वे क्या है, पर्पस मिक्स्ड सैंपलिंग। मैंने क्या किया, मैंने आपसे 3 लिस्टें ले ली, मैंने कहा मेरे को वो बच्चे बता दो जिनके पास कंप्यूटर है, वो जिनके पास मैथ्स है और वो जिनके पास फिजिकल है। लेट अस से इट इज इन दिस रेशियो, 30 बच्चे ये है मैथ्स के, 20 कंप्यूटर के और 10 फिजिकल के, लेट अस से, ठीक है। अब मैं क्या, ये मैंने अपनी अकॉर्डिंग, अपने पर्पस, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये कौन से टेक्निक यूज हुई? पर्पसिव। मैंने अपनी जजमेंट से हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर। मेरी जजमेंट ये कहती कि मैंने ऐसे करना है कि 0 to 60 वाले, 60 to 80 वाले, 80 and 2 above वाले क्लासिफाई कर सकती थी। दैट इज ऑन माय और इन्वेस्टिगेटर्स जजमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन पर्पस, आप किस पर्पस के लिए सैंपल चूज कर रहे हैं। After that, मैंने क्या किया, ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने बोला चलो आप अपने नाम की चिट बनाओ, 30 चिट्स आ गई मेरे पास, इनको मैंने एक बाउल में मिक्स कर दिया। ये 20 की चिट्स एक बाउल में, ये 10 चिट्स एक बाउल में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लॉटरी मेथड, है ना। ये कौन सी टेक्निक है? रैंडम। अब इनमें से मैंने रैंडमली, मतलब शफल करके, कोई भी जिस पे मेरा हाथ पड़ा, मैंने लेट अस से 3 स्लिप्स यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से निकाली। जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनेट निकालनी है, इट्स लाइक डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करती हूं, ये कौन सी टेक्निक यूज हो गई? बिकॉज हेयर इन दिस एवरी चाइल्ड हैज 1/30 प्रोबेबिलिटी
here every child has 1/10. So same probability hai ek group mein har person ki. Ab now the sample so drawn will be free of bias. Mera bias enter kiya, it will be representative. Yes, tino sections represent ho rahe. ठीक है, सो इसका मैंने कैसे रिमूव किया, बाय टेकिंग अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में, तो इस मेथड को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक. हियर वी हैव मेड यूज ऑफ रेंडम सैंपलिंग बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग. ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. नाउ इट्स मेरिट्स, इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गई, जो सैंपल जो आया इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो 6 बच्चों की टीम है इसमें कॉमर्स कंप्यूटर के भी स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के भी और फिजिकल के भी, सो इसने डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली. सेकेंडली द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा नहीं, ऐसे भी कर सकते बॉयज गर्ल्स, इतनी बॉयज इतने गर्ल्स, तो जो सैंपल सो ड्रॉन वुड बी बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. अगर आप 60 चिट्स इकट्ठी डालते उसमें से हो सकता है सारे बॉयज आते या सारी गर्ल्स होती, है ना. Getting my point? Here the sample is representative. ठीक है, then demerits, limited scope. बेटे आप इसको तभी divide कर सकते हो population को stratas में अगर आपको population की knowledge है. अगर मुझे पता है कि कौन से student के पास कौन सा subject है, अगर मेरे पास ये knowledge नहीं है, if the investigator does not have knowledge about the whole of the population, to fir hum is method ko use nahi kar sakte. Theek hai, you should have full knowledge, so its scope is limited. Okay, then वैसे तो हमने कहा इसमें bias enter नहीं किया, but the bias of the investigator may enter while classifying the population. जब आप क्राइटेरिया ही ऐसा रख लो कि आप जो आइटम्स चाहते हो वो इंक्लूड हो जाए. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो उसमें आपका बायस एंटर हो सकता है. देन इट इज एक्सपेंसिव मेथड आल्सो, क्योंकि ज्योग्राफिकली स्प्रेड होंगे अगर आपकी आइटम्स, तो उसको फिर क्लासिफाई करना स्ट्रेटास में, फिर उसमें से सैंपलिंग करना कैन बी डिफिकल्ट. All right, and if the size of population is small, then it's of no use. ठीक है, okay. So this is clear. This method is clear. Now we have one. Population small है तो फिर strata में divide करने की जरूरत ही नहीं है ना. ठीक है, फिर आप random से ही कर लो. मतलब ये वो चीजें बेटे आपके पास, अब मैंने techniques बता दी. कल को आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको सैंपलिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ये टेक्निक्स हैं. अब ये पता हो गया ये टेक्निक्स हैं, अब चॉइस कैसे करोगे कि कौन सी यूज करें. डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स ऑन द रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अगर आपके पास फंड्स कम है तो फिर आप इसके लिए नहीं जाओगे. आपकी पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है, नो नीड. ठीक है, all right. Now next technique, systematic sampling. Students are joining so late. Okay, haan ji, so let's see what is a systematic sampling technique. Ye hum fourth technique kar rahe hain, choosing a sample. Systematic sampling. Bete, in this, every nth item
is selected as a sample. ठीक है, so let me explain it with the help of an example. यहाँ पे आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए, ये मतलब ये सैंपलिंग के लिए वैसे ही मस्ट है. What is your size of population and what is the size of the sample which you want to choose? ठीक है, so we denote size of population with capital N and the size of sample with small n. जैसे कि अगर आपका population का size 100 है और आप 10 units का sample choose करना चाहते हैं, ठीक है, तो firstly you need to find out k. k is a sampling interval. आप example देखते जाओ, आपको बिल्कुल clear हो जाएगा. Sampling interval, sampling interval को हम k से denote करते हैं. Its formula is very simple, n upon n. सीधी सी बात है, जितनी आपकी population है उसमें से आपको जितने का sample चाहिए population को उतने parts में divide कर दो. ठीक है, n upon n, 100 upon 10, 10. ठीक है, अब आपकी जो population है उसको पहले आपने arrange कर देना. अरेंज कैसे करना है वो आपकी मर्जी है, अल्फाबेटिकली कर दो, रोल नंबर वाइज कर दो, है ना, किसी भी तरह से आपने उसको अरेंज कर दिया. ठीक है, आपने उसकी नंबरिंग कर दी, 1 to 100 नंबरिंग कर दी. अब आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, ये जो आंसर आया ना, ठीक है, आपने इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब कैसे डिवाइड करोगे, पहला ग्रुप क्या आएगा, नेक्स्ट, फिर 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100. 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये जो पहला पार्ट है ग्रुप, इसमें से आपने कोई भी एक सैंपल रैंडमली चूज करना है, यानी रैंडमली मतलब ऐसे ही, रैंडमली का मतलब चिट्स डालो, 1 to 10 की लॉटरी डालो. 10 सिर्फ 10 की आपने बनानी है, यहां पे चिट्स 100 की नहीं बनानी, कितनों की बनानी है, फर्स्ट 10 की, उसमें से एक पिक चिट पिक कर ली से, उसमें कितना आया, 6 आया. अब ये इंटरवल क्या आया था हमारा, अब ये जो इंटरवल है ये इसमें ऐड करते जाओ, 6 plus 10 plus 10 plus 10 46 56 66 86 and 90, these will constitute your sample. ठीक है, I am explaining again, जितना population का size है, ठीक है, और आपको जितना sample का size चाहिए उतने parts में population को divide कर देना. I can take one more example here. Let us say population size is 100 and our sample size is 5. हमें 5 बच्चों का सैंपल चाहिए 100 की क्लास में से. Now n upon n, 100 upon 5, 20. ये इंटरवल आ गई, हमारा सैंपल कितना चाहिए, 5. तो हम पॉपुलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में. कैसे डिवाइड करेंगे वो हमें ये इंडिकेट कर देगा, हर पार्ट में कितना आना चाहिए, 20. तो क्या ये क्लासिफिकेशन, 21 टू
41 to 61 to 81 to 100, ठीक है। फिर 20 स्लिप्स डाली, एक पिक कर ली, सपोज आया 8, अब इंटरवल क्या था 20, ऐड करते जाओ, दीज 5 नंबर्स विल कॉन्स्टिट्यूट अवर सैंपल, ठीक है। सो इन दिस मेथड फर्स्टली पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, दे आर गिवन सीरियल नंबर्स, ठीक है। आफ्टर दैट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू दैट मेनी ग्रुप्स विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ सैंपल। यू कैन फ्रेम योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है बोलो बेटे, जितने बच्चे चाहिए मेरे को, अगर आपकी क्लास में से मुझे 10 का सैंपल चाहिए मैं तो 10 रो में बच्चे डिवाइड कर दूंगी, 5 का चाहिए तो 5 में डिवाइड कर दूंगी, 2 का चाहिए तो 2 में डिवाइड करूंगी, ठीक है। अब एवरी nth पहले में से तो रैंडमली निकाल लिया, बाकी ग्रुप्स में से कैसे निकालना है, एवरी nth आइटम यानी इंटरवल जो आया उसको एड कर देना, गॉट इट, इंटरेस्टिंग, नॉट बायस्ड, इज इट बायस्ड, इट्स नॉट इवन टेक्निकल, क्योंकि यहां पे हमने पॉपुलेशन को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं क्लासिफाई किया, सिंपली क्लासिफाई कर दिया। चलो 1 to 10 रोल नंबर इधर बैठ जाओ, 11 to 20 इधर बैठ जाओ, 21 to 30 इधर बैठ जाओ, और हर एक में से पहले में से एक रैंडमली पिक किया, बाकी में से प्लस दैट प्लस दैट, मतलब जब पहले की 10 या 8 वाले की लॉटरी खुली, बाकी 18 28 उनको पता चल जाएगा, दे विल देमसेल्व्स कीप स्टैंडिंग, यस वी आर द सैंपल, गॉट इट। सो नॉट बायस, लेस टाइम कंज्यूमिंग और सेटिस्फेक्ट्री कंक्लूजन्स निकलती हैं इससे। मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं एंड इज अनसुटेबल इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, नंबरिंग करनी है पॉपुलेशन की भाई, ठीक है। अगर लाख यूनिट्स हैं तो ग्रुप्स में पहले डिवाइड करोगे, फिर पहले ग्रुप में से रैंडमली ड्रॉ करोगे, सो उस केस में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस, एनीवन एनी आइडिया व्हाट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग? हाँ, चूजिंग दी सैंपल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन कन्वीनियंस। हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैम का फोन आया कि मेरे को ये 5 मेरे को आपकी क्लास में से 5 बच्चों का सैंपल चाहिए, कोई फॉर्म फिल करवाने हैं, ठीक है। तो मेरे पास जिनका फोन नंबर था, चलो अभी तो हमारे पास सबके होते हैं, सो लेट अस से या मेरे घर के पास जो बच्चा रहता है मैंने उसको बुलाया या उसके घर गई, मैंने कहा ये फॉर्म फिल करके दे दी। हेयर द ओनली क्राइटेरिया आई हैव टेकन इन टू माइंड इज माय कन्वीनियंस, ठीक है। सो समटाइम्स अब आपको भी प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो आपको भी फॉर्म फिल करवाना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, एक अपने कजन को दे दिया, एक फ्रेंड को दे दिया, कोई घर में आया उससे फिल करवा लिया, फ्रेंड के ब्रदर को दे दिया, यस दिस इज कन्वीनियंस। आप अपनी कन्वीनियंस देख के सैंपल को चूज करते हो। सो कन्वीनियंस सैंपलिंग का मैरिट, इट इज वेरी इजी, ठीक है, और इनएक्सपेंसिव है, बट अनरिलायबल है ना, अनसाइंटिफिक है, कोई हमने इसमें लॉजिक नहीं अप्लाई किया, सो इट्स अनसाइंटिफिक, एंड अगेन द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर मे एंटर, ठीक। हाँ जी, मैरिट इजी सिंपल इनएक्सपेंसिव, हाँ मे एंटर, मतलब चलो विल एंटर जरूरी नहीं है, आपके हो सकता है
जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए वो चूज करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो लाइकली, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. वन मेथड मोर इज देयर, दैट इज कोटा सैम्पलिंग, which is generally used while making survey, so that we will discuss afterwards. All right, so that's all for today. Baki hum revise kar lete hain.